300 मीटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। ए पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी वी, चलो एक पार्टिकल भी वेलोसिटी से चल रहा है, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी वी है। अब ये कहता है जो इस पे, इस पार्टिकल पे थ्री फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन, पी क्यू आर नाम के तीन फोर्स लग रहे हैं, और तीनों को एक वेक्टर डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, एक साइक्लिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया। आपको पता है कि जब कभी भी किसी भी वेक्टर का वेलोसिटी हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, टॉर्क हो, कोई ऐसा वेक्टर हो, ठीक है, जो जिनको हम एक साइक्लिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही आता है यार। जितने भी वेक्टर ले लो, 10 वेक्टर ले लो, 20 वेक्टर ले लो, तो इन सभी का जो नेट फोर्स है वो जीरो आ जाएगा यार, ठीक है, क्योंकि तीनों एक ही ऑर्डर में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले करना क्या है, देखो हमें ग्राफिकल प्रॉब्लम है, ग्राफ को एनालिसिस करके करना है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इसमें फिजिक्स का। अगर नेट फोर्स जीरो है तो हमें वेलोसिटी के बारे में बताना है। तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ही जीरो है, क्योंकि मास तो जीरो हो नहीं सकता। अगर एक्सेलरेशन जीरो है यार, ठीक है, तो वेलोसिटी फिजिक्स में हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती यार। ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज होगी और ना ही डायरेक्शन में चेंज होगी। एक वेक्टर तब बदल जाता है जब उसकी मैग्नीट्यूड भी बदल जाए, या डायरेक्शन ही बदल जाए, या दोनों बदल जाए। यहाँ दोनों नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि जब एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा कॉन्स्टेंट होगी। मतलब अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो अब मैं अच्छा सा क्वेश्चन अगले साल आ जाता है कि यही डायग्राम बदल के आ जाए, ठीक है, अब बताओ कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा, पैराबोला में चल रहा, सर्कल में चल रहा है, इलिप्स में चल रहा है, अगर ऐसे दिया, समझना। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में ही चलना पड़ता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना वेलोसिटी, क्योंकि यार जब तक डायरेक्शन नहीं बदलेगी स्ट्रेट लाइन ही चलेगा, वन डिमोशन में चलेगा। लेकिन अगर स्पीड कॉन्स्टेंट हो तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भी चल सकता है और कर्व में भी चल सकता है। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, ठीक है, स्पीड वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है, चलो।